नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को मारकर जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन जीत मिलने के बाद वह प्रसन्न नहीं, बेहद दुखी रहने क्यों लगे। उन्हें प्रतिदिन अपने संबंधियों की हत्या का नाम सताता रहता था और वह कुछ भी कर इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। पश्चाताप की आग में जलते हुए पांचों भाई श्री कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण ने उन्हें एक काली गाय और काला ध्वज दिया, साथ ही उनसे कहा कि जिस स्थान पर गाय और ध्वज का रंग सफ़ेद हो जाए उस स्थान पर शिव की आराधना करना, ऐसा करने से तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पांडवों ने ऐसा ही किया और वे स्थान स्थान पर घूमने लगे। अचानक एक स्थान पर जाकर गाय और ध्वज दोनों का रंग सफ़ेद हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार उन्होंने वहां शिव की आराधना शुरू की। पांडवों की आराधना से भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने पांचों भाइयों को अलग अलग अपने लिंग रूप में दर्शन दिए। गुजरात की भूमि पर अरब सागर में इसी स्थान पर निष्कलन महादेव का मंदिर स्थापित है। दोस्तों क्या इसके बारे में आपको पहले से पता था, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।